कभी मजाक न करें, खासकर ट्रक ड्राइवर से। एक जोड़े को ट्रक चालक ने पकड़ा और लोहे की जंजीरों से बांधा है। डरी हुई महिला जोर से चिल्लाती है। ड्राइवर ने तुरंत उसे मुक्का मारा। लोहे की चेन कार के नीचे के मूवमेंट शाफ्ट से सीधे जुड़ी होती है। अगर वे 1 किलोमीटर तक डटे रह सकते हैं तो रस्टी उन्हें जाने देगा और वो उन्हें दवाओं का थैला भी दे देगा। यदि वे नहीं कर सकते हैं तो वे मर सकते हैं। पता चला कि यह जोड़ा नशे का आदि था। पैसे कमाने के लिए उन्होंने होटल में एक और व्यक्ति को साथ जोड़ा था। आदमी के पास एक हथियार था जो उसने मारने के लिए रखा था। हालांकि दरवाजे के पीछे एक बड़ा आदमी है जिसने एक पल में आदमी को गिरा दिया। फिर वो दृश्य है जो वीडियो की शुरुआत में दिखाई दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे भीख मांगते हैं। ट्रक चालक फिर भी नहीं पिघला। उन्हें जबरदस्ती गाड़ी पर बैठाया गया और एक डरावना खेल शुरू होने वाला है। सर्प की खाल के जूते पहने वो गाड़ी की रेस ऑफ कदम रखता है। ट्रक धीरे धीरे चलता है। गाड़ी की गति बढ़ती जा रही है। दो लोग हाथ पकड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि खुद को नीचे न गिरने दें। ट्रक की गति अचानक तेज हो गई। डरी हुई महिला जोर जोर से चिल्ला रही है। वो लगभग नीचे गिर गई। सौभाग्य से उस आदमी ने उसका हाथ थाम लिया। 1 किलोमीटर की यात्रा जल्दी समाप्त हो गई, लेकिन रस्टी ने गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं रोका। लगता है कोई सरप्राइज सामने आने वाला है। महिला किसी और चीज की परवाह नहीं कर सकती थी। उसने केवल ड्रग्स का थैला देखा। वो आगे पहुंची और उसे ले लिया। नतीजतन आदमी एक पल में ट्रक के नीचे तक घसीटा गया, फिर महिला को भी घसीटा गया। वे मारे जाते हैं। ड्रग्स का आकर्षण बड़ा है। अगर आप सावधान नहीं हुए तो आपकी जान चली जाएगी। इससे छुटकारा पाना बेहतर है। कैमरा जॉर्डन पर है। वो हाईवे पर तेजी से गाड़ी चला रहा है। हालांकि रस्टी भी इस रास्ते पर है। रेसिंग कार के प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए जॉर्डन तेजी से ट्रक से आगे निकल गया। उसने दूसरी गाड़ी पास नहीं की, लेकिन रस्टी की गाड़ी से प्रतिस्पर्धा की। अचानक सड़क रेस ट्रैक बन जाती है। वो ट्रक को परेशान करता है जिससे ट्रक लगभग पलटने वाला था। कोल जो जॉर्डन के बगल में बैठा है उसे लगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने गाड़ी रोक दी और फिर कोल ने गाड़ी चलाई। रस्टी ने जल्दी से उनका पीछा किया और हॉर्न बजाना शुरू किया। कोल ने पाया कि कुछ गलत था। शायद उन्होंने रस्टी को नाराज कर दिया था। वो जल्दी से रास्ते से हट गया और ट्रक को जाने दिया। बस यही यह मजाक था। यह रस्टी की शैली नहीं है। उन्होंने ट्रक को आगे जाते देखा। इस चीज ने कोल को क्षण भर के लिए नाराज कर दिया। एक रेसर होने के नाते वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। कोल ने ट्रक को पास करने के लिए सही समय का इस्तेमाल किया। रस्टी पागलपन से उनका पीछा कर रहा है। कोल की शानदार ड्राइविंग तकनीक उत्कृष्ट रेसिंग कार के साथ थी, तो रस्टी का उनको पकड़ना आसान नहीं है। अचानक सामने से एक गाड़ी आई। कोल ने बचने के लिए जल्दी से गाड़ी हटा दी। सौभाग्य से रस्टी भी जल्दी प्रतिक्रिया करता है। छोटी कार उसके पास से गुजरी आपातकालीन ब्रेक के कारण। ट्रक सड़क पर रुका और उससे धुआं निकलने लगा। यह लोग इस बात से अनजान है कि उन्होंने एक हत्यारे पर प्रहार किया है। रस्टी एक शैतान की तरह है। रस्टी ने कैमरा देखा और उसे उनकी लाइसेंस प्लेट मिल गई। उसने उन्हें संपर्क करने के लिए एक फोन किया। रस्टी की आवाज रेडियो में गूंज उठी। नुकसान की कीमत आप अभी चुकाएंगे। फिर वे गैस भरने के लिए एक गैस स्टेशन पर गए। गहना ने खतरे को भांप लिया है। उसने कार चलाने का फैसला किया और पहले जॉर्डन के साथ निकल गई। रास्ते में जॉर्डन कोल को संपर्क करता रहा, लेकिन रेडियो प्रसारण का कोई संकेत नहीं है। ठीक उसी समय अचानक पीछे रोशनी पड़ती है। यह रस्टी है। वो उनका पीछा कर रहा है। उसने पागलों की तरह पीछे से गाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। रस्टी वाकई डरावना है। फिर उसने दोनों घायलों को कंटेनर में रख दिया। अब जॉर्डन जाग गया था। रस्टी ने उसे गाड़ी से बाहर निकाला। जॉर्डन उससे भीख मांगता है, लेकिन यह बिल्कुल काम नहीं करता। रस्टी ने जॉर्डन के सिर को ब्लोअर में भर दिया। जॉर्डन एक पल में मर गया। फिर रस्टी ने कोल से संपर्क किया, साथ ही उसे मदद के लिए गहना की पुकार सुनाई। कोल ने तुरंत पूछा कि उसे कितना पैसा चाहिए। रस्टी को पैसे की जरूरत नहीं थी, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए। रस्टी ने यहाँ से 100 किलोमीटर दूर गोदाम में मुलाकात का इंतजाम किया था। फिर वे घबराकर गोदाम की ओर चल पड़े। बहुत समय के बाद वो वहाँ पहुँचे। कोल ने पहले रस्टी को द्वंद्व युद्ध के लिए अकेले वहाँ जाने का फैसला किया। उनमें से बाकी के पास समर्थन और मदद करने तैयार रहते हैं। अचानक एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। तभी एक ट्रक कोल की ओर बढ़ा। सौभाग्य से वो बच गया। तभी तीनों उसका पीछा करने के लिए तेजी से कार में सवार हो गए। ट्रक के बाहर जाने के बाद एक पुलिस की गाड़ी आती है। पुलिस ने देखा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने पीछा किया। पुलिस को सड़क पर चारों तरफ खून के धब्बे नजर आए। उन्होंने जल्दी से अपनी बंदूक निकाली और रस्टी को गाड़ी से बाहर निकालने के लिए मजबूर किया और उसी समय उसे हथकड़ी पहना दी। क्या रस्टी पकड़ा गया है? यह मजाक था, बस आगे देखते रहो। कोल सड़क पर पुलिस कार देखता है। उसने पुलिस को अपनी पहचान बताई और पूछा, क्या आपने किसी ट्रक को जाते हुए देखा? पुलिस का हाँ कहना है। यह वो गाड़ी है जो 15 मिनट पहले गुजरी थी। पुलिस ने उनसे कहा कि जल्दी करो और कार में बैठो। ठीक उसी समय दूर से एक ट्रक आ रहा है। ट्रक पुलिस गाड़ी से टकराया और विस्फोट का कारण बना। इस विधि को देखते हुए यह अवश्य ही रस्टी होना चाहिए। पता चला कि पुलिसकर्मी सिर्फ एक साधारण ड्राइवर था। वॉकी टॉकी जल्दी से फिर से बज उठा। रस्टी ने उन्हें डंप पर मिलने के लिए कहा और साथ ही उन्हें
छलकपट न करने के लिए भी कहा, नहीं तो इस पुलिस वाले की तरह वह भी मारे जाएंगे। और अब कोल का एक दोस्त डर गया और पीछे हट गया। उसने अकेले जाने का फैसला किया, लेकिन अभी तक वो दूर नहीं गए हैं। तब उसे तुरंत पता चला कि उसके सामने एक ट्रक है। तब उस पर हमला किया गया था। वो थोड़ी देर बाद जागता है। उसे गाड़ी के नीचे बांध दिया गया था। उसके सिर के नीचे एक बहुत भारी मशीन है। रस्टी उसे भीख मांगने का मौका तक नहीं देता, लेकिन सीधे उसे मार डालता है। जाने से पहले उसने आग से शरीर को नष्ट कर दिया है। कोल और अलीसा लैंडफिल पर आते हैं। कोल ने अलीसा को कार में रहने के लिए कहा। वो अकेले रस्टी से निपटेगा। अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली है। रस्टी एक स्ट्रीट किलर है जिसका उपनाम शैतान है, और दूसरी तरफ कोल है। मृत्यु के भाग्य से आखिर कौन बच सकता है? रस्टी ने हाथ में बटन दबाया। अंदर से गहना का दयनीय रोना सुनाई दिया। कोल रस्टी की ओर भागा, लेकिन रस्टी ने उसे आसानी से चकमा दे दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कोल को जमीन पर पटक दिया। उसके बाद कई बार लात मारी और फिर मुक्का मारा। कोल के अब बचने में ज्यादा समय नहीं था। लड़ाई लगभग समाप्त हो गई थी। यह इस समय था कि अलीसा दिखाई दी। उसने रस्टी को गाड़ी से टक्कर मार दी। कोल जल्दी से ऊपर चढ़ गया और जल्दी से गाड़ी की डिक्की खोली। अंदर गहना नहीं है, केवल एक कैमरा था। पता चला कि यह सिर्फ एक वीडियो है जिसे रस्टी ने पहले ही फिल्मा लिया था। गहना शायद मर चुकी है। डंप के रास्ते में रस्टी ने गहना को गाड़ी की छत से बांधा था और एक पुल पर दे मारा था। गहना वहीं मर गई थी। कोल पूरी तरह से पागल हो गया है। वो व्यक्तिगत रूप से इस शैतान को खत्म करना चाहता है, लेकिन रस्टी कहीं नहीं दिखता। कार में सवार हो गए। तभी पीछे वाला ट्रक टकराता है। अलीसा का पैर फंस गया है। कोल घबरा गया और उसके बगल में क्रेन चालू कर दी। वह रस्टी के ट्रक को उठाना चाहता था और उसने ट्रक को यंत्र में डाल दिया। ट्रक क्रेन के होके नीचे नष्ट हो गया था। इस समय बारिश हो रही थी। अलीसा और कोल इस लानत जगह से बाहर निकलते हैं। क्या आपको लगता है कि यह अंत है? यह भी मजाक था। अगले दिन जब पुलिस मौके पर पहुंची, उन्हें रस्टी का शरीर कहीं नहीं मिला था। बेशक वो मरा नहीं है, क्योंकि निर्देशक अगले एपिसोड की शूटिंग करना चाहते हैं। रास्ते में रस्टी दूसरे ट्रक पर सवार होता है। एक और डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। अंत में मैं सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। रास्ते में यदि आप एक ट्रक देखते हैं तो क्या आप भाग जाएंगे? अगर आपको यह पसंद आई है तो